Welcome to LearnWire. As you guys have suggested me to make important question of chemistry, here comes the part 1. As all the questions in a single part will be a hectic exercise, so I had divided it into two parts. So let's get started guys. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्ट्रेटेजी वीडियो देख ही लिया होगा तो उससे आपने ऑब्जेक्टिव आज कर ही लिए होंगे, और आपको ऑब्जेक्टिव जब करते हैं तो अब आपको बुक से भी थोड़ा सा रेफर करने की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत बैठते हैं इसके अंदर बुक से, तो की पॉइंट्स वगैरह आप पढ़ ही लेंगे। उसके साथ साथ में हाउ टू अप्रोच चैप्टर, तो आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए, देन परीक्षा बोध जो इंपॉर्टेंट जो मैं दे रहा हूँ सबसे पहले वो कर लीजिए, तो आपका बहुत सारा हो जाएगा, परीक्षा बोध का कुछ बचेगा, उसके बाद भी आपको कुछ लगता है तो आप अपने एंड से कर सकते हैं, इतना मेरे हिसाब से सफिशियंट है। फिर उसके बाद ड्रॉ प्रैक्टिस जरूर कर ले, जितने भी डायग्राम्स हैं उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जितना अच्छा प्रेजेंटेशन उतने अच्छे मार्क्स, जैसा कि आपको पता है। और रिवाइज, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि आपको याद रह जाएगा। बहुत से लोग होते हैं जिनको याद रह जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनको केमिस्ट्री नहीं आता है। सो लेट्स गेट इनटू दैट। सो सबसे पहले यूनिट 1 की अगर बात करूँ मैं, तो यूनिवर्ट में ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं। अपने को नॉर्मलिटी वगैरह पे एक आध न्यूमेरिकल कर लेना, नॉर्मल सा कोई सा भी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेना, एमबी की कैलकुलेशन, वही अपना जैसे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है 12.5 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन 170 ग्राम ऑफ वाटर, द एलिवेशन इन बीपी इज 0.63 केबी फॉर वाटर इक्वल टू 0.52 केएम इनवर्स। सो अपने को बताना है कि कैलकुलेट करना है एम बी फॉर यूरिया, ठीक है। और हिंदी में अगर आपको जानना हो, 12.5 ग्राम यूरिया को 170 ग्राम जल में घोला है तो क्वथनांक में उनियन 0.63 के, यदि जल को के बी, जल जिसका के बी इक्वल टू 0.52 के एम माइनस 1, तो यूरिया का एम बी ज्ञात करें, ठीक है। सो ये कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये कुछ आपको पता ही होंगे कुछ, और आपको परीक्षा में तो मिल ही जाएंगे। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट आपको करना है, एक्सप्रेशन डिराइव कर लेना के फॉर फर्स्ट ऑर्डर, लीड स्टोरेज सेल के बारे में पढ़ लेना, अरिनियस इक्वेशन कर लेना, और उसके बाद में आपको रिलेशन बताना है एम बी एन एलिवेशन इन बी पी, ठीक है। फिर डिफरेंस बताना आपको मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर उसके बाद रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, मोलारिटी इन मोलारिटी, फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट्स इन 90% इन 40 मिनट, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन द क्रुश्चेव लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, रॉल्ट्स लॉ कर लेना, ये वैसे पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फिर भी वन वर्ड टाइप में आ सकता है, जैसे एक सेंटेंस में जो आंसर लिखते हैं, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं। बर्कली हार्टले नलनेस इक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस फ्राडे, ये सब आपको आता ही होगा, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने अपन ने पीछे बात कर ही ली है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट सिस्टम चैप्टर के अंदर गोल्ड नंबर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब 5, 6, 7, 8 चैप्टर की बात करेंगे अपन, तो गोल्ड नंबर, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस सॉरी, केमिकल रिएक्शन वगैरह पढ़ लीजिए। फिर F2O इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑक्साइड ऑफ फ्लोरिन, सी डाइवर्स यूज, जो हीलियम का जो लोग यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, और तब क्या होगा, वॉट हैपन्स जब NaOH इज मिक्स विथ क्यूपरिक सल्फेट सोडियम। वैसे मैंने वो लिखा नहीं है इसके अंदर, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस बोल देता हूँ, तो यू शुड जॉट इट डाउन। NaOH इज मिक्स विथ क्यूपरिक सल्फेट सॉल्यूशन, सो देन वॉट हैपन्स व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड टू क्यूपरिक सल्फेट सॉल्यूशन, देन थर्ड AgNO3 इज हीटेड, तब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी K2CrO7। फिर ब्रोडी एंड सीमेंस हेल्सकी ओजोनाइजर क्वेश्चन, वो वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंस मार्टिन ओपन हार्ट प्रोसीजर आपको आती होगी, मेरे को विश्वास है, क्योंकि सब लोग अपन ने प्रीबोर्ड वगैरह सब देख ही आए। प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय होप्स प्रोसेस, इमल्शन, ब्राउनियन मोशन, हार्डी स्क्लेज लॉ, इलेक्ट्रोफ्रेसिस, पेप्टिजाइजेशन, और फिर लीड चैम्बर कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, 5, 6, 7, 8 चैप्टर हो जाएंगे। सो गाइस दैट्स इट, कीप काम एंड रिवाइज, आपकी एग्जाम्स खत्म होने वाली है, बस एक बार और थोड़ी जान लगा के पढ़ लो और अच्छा स्कोर कर लो दोस्तों। चलो गुड बाय, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू लर्न वायर। यार सर, यार सब्सक्राइब करो, शेयर तो जरूर करो।